हिमाचल प्रदेश के केंद्र में बसा मंडी जिला लंबे समय से हवाई सेवाओं के साथ जुड़ने के सपने देख रहा है। यहां वर्षों से एयरपोर्ट बनाने की योजनाएं फाइलों में घूमकर दफन हो रही हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। मंडी जिला में सबसे पहले बलघाटी में एयरपोर्ट बनाने की योजना बनी, यहां पर सर्वे हुआ, जमीन का चयन करने तक बात पहुंच गई, लेकिन बलघाटी की धुंध ने सारा काम बिगाड़ दिया। अत्यधिक धुंध होने के कारण एयरपोर्ट के निर्माण की बात फाइलों में ही दफन होकर रह गई। इसके बाद मंडी और बलघाटी के मध्य का पॉइंट नंदगढ़ सिलेक्ट किया गया, यहां पर भी सर्वे हुआ और उसके बाद और हवाई सेवाओं का प्लेन फाइलों में ही क्रैश हो गया। फिर तीसरे स्थान की बारी आई पधर उपमंडल की, घोघर धार का चयन एयरपोर्ट निर्माण के लिए किया गया। मौजूदा केंद्र सरकार की टीम यहां पर सर्वे भी करके गई, लेकिन यहां की बात भी सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाई। इस कारण लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेल सेवाओं की भांति हवाई सेवाओं का भी उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और सर्वे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। हमने सिर्फ नाम ही सुना हवाई सेवाओं का कि मंडी में एयरपोर्ट बनेगा, ये कभी बेल में बनेगा, कभी बोलते घोघर धार में बनेगा। सिर्फ बातें हुई, सिर्फ सर्वे हुए और कुछ नहीं हुआ। एयर कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि जैसे कोई इमरजेंसी किसी ने जाना है, कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसका फायदा होता है। रोड बंद है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कम से कम एयर फैसिलिटी तो है, लेकिन यहाँ तो एयर फैसिलिटी के नाम पे जीरो है। सर हवाई सेवा के नाम पे तो यहाँ पर अभी तक कुछ ही नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे बातें करते रहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पर आज तक तो हमें इस तरह का कुछ लाभ मिला नहीं है मंडी शहर में। बता दें कि मंडी जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश के लिहाज से यह दूसरे सबसे बड़ा जिला है। कुल्लू जिला के भुंतर में एक एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पर बड़े जहाज नहीं उतर पाते, इसीलिए मंडी में बड़ा एयरपोर्ट बनाने की योजना चल रही थी। सांसद रामस्वरूप शर्मा मंडी में एयरपोर्ट न बनाने का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ रहे हैं। सांसद के अनुसार प्रदेश सरकार ने घोघर धार के एयरपोर्ट की डीपीआर नहीं बनाई, जिस कारण काम रुका हुआ है, क्योंकि जमीन राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाई जानी है। जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी तो इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। घोघर धार जिसके लिए टीम यहां आई थी, उसकी प्रपोजल हिमाचल सरकार ने बनाकर भेजनी थी, उसकी डीपीआर बनानी थी, लेकिन दुख का विषय है कि उसके बारे में कुछ प्रयत्न हिमाचल सरकार ने नहीं किए, जिसे काम रुका पड़ा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार होगी तो घोघर धार एयरपोर्ट या मंडी में एयरपोर्ट बनना पहली आवश्यकता होगी, क्योंकि उससे कुल्लू के लिए भी, हम हमीरपुर के लिए, बिलासपुर के लिए नजदीक स्थान पड़ेंगे तो इस एयरपोर्ट का महत्व बढ़ेगा। लेकिन ये सारे काम तभी होंगे जब हिमाचल सरकार चाहेगी। बहरहाल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो 18 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक के हालातों से यही प्रतीत हो रहा है कि एयरपोर्ट का सपना हर बार दो दलों की सियासत के बीच क्रैश होता जा रहा है। भविष्य में न जाने कब इसकी सफल लैंडिंग हो पाएगी।